बेमानी आप नहीं करना चाहते हैं ना, पोस्टल से है ना ये बेमानी का रास्ता आपका। पोस्टल का गिनती पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों? मैं अपील करता हूं इंडिया गठबंधन के एक कैंडिडेट और वर्कर से, पोस्टल की गिनती अपने सामने करा करके दस्तखत करके रख लीजिएगा। वो जब भी अनाउंसमेंट करे लेकिन बिना दस्तखत के, आप पोस्टल की गिनती को मत छोड़िएगा। एक दूसरा चीज, तीन दिनों से हम अपने वर्कर को यहां 17C फॉर्म, उसके बाद ईवीएम का नंबर, आज 7 बजे हमारे सारे देश के हमारे बड़े बड़े स्पेशलिस्ट यहां आए हुए हैं। 7 बजे आज मेरे एजेंट की मीटिंग है और हम बताएंगे कि हमें पहले क्या करना है। हम पूरा कॉपरेट करना चाहते हैं कलेक्टर साहब को और यहां के पदाधिकारी को, काउंटिंग को पारदर्शी रखें, अन्यथा मरता क्या नहीं करता। यदि हम जबरदस्ती लोकतंत्र की मौत होगी तो महाभारत का संग्राम होगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे एक एक वर्कर बिहार में और पूर्णिया में मरने की तैयारी करके कल है, कफन बांध के है। बेमानी आप नहीं करना चाहते हैं ना, पोस्टल से है ना ये बेमानी का रास्ता आपका। पोस्टल का गिनती पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों? मैं अपील करता हूं इंडिया गठबंधन के एक कैंडिडेट और वर्कर से, पोस्टल की गिनती अपने सामने करा करके दस्तखत करके रख लीजिएगा। वो जब भी अनाउंसमेंट करे लेकिन बिना दस्तखत के, आप पोस्टल की गिनती को मत छोड़िएगा। एक दूसरा चीज, तीन दिनों से हम अपने वर्कर फॉर्म, उसके बाद ईवीएम का नंबर, आज 7 बजे हमारे सारे देश के हमारे बड़े बड़े स्पेशलिस्ट यहां आए हुए हैं। 7 बजे आज मेरे एजेंट की मीटिंग है और हम बताएंगे कि हमें पहले क्या करना है। हम पूरा कॉपरेट करना चाहते हैं कलेक्टर साहब को और यहां के पदाधिकारी को, काउंटिंग को पारदर्शी रखें, अन्यथा मरता क्या नहीं करता। यदि हम जबरदस्ती लोकतंत्र की मौत होगी तो महाभारत का संग्राम होगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे एक एक वर्कर बिहार में और पूर्णिया में मरने की तैयारी करके कल है, कफन बांध के आएगा।